नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ई श्रम कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इसके ऊपर कई सारे वीडियो बनाए हैं कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं, ई श्रम कार्ड फिंगरप्रिंट की मदद से कैसे बनाते हैं, और आप भी जो लेटेस्ट वीडियो है वो है दोस्तों वर्तमान पता कैसे अपडेट करते हैं ई श्रम कार्ड पर। इन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम बताने वाले हैं आपको कि आप ई श्रम कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप ई श्रम दो तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जिस तरह से ई श्रम कार्ड अपना बनवाए होंगे या बनाए होंगे, तो उसी तरह से दोस्तों आप ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने फिंगरप्रिंट की मदद से ई श्रम कार्ड बनाया तो आप फिंगर प्रिंट की मदद से ही डाउनलोड कर सकते हैं, और आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों लिंक है, तो आप अपने मोबाइल नंबर से ही अपना ई श्रम कार्ड बनाए होंगे। तो ये दोनों प्रोसेस होते हैं दोस्तों डाउनलोड के। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप OTP की मदद से, मतलब जो भी आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक है उसकी मदद से कैसे डाउनलोड करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सीधा चलना होगा मेरे साथ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर ऑन ई श्रम ऑलरेडी रजिस्टर अपडेट। तो सिंपल आप किसी पर क्लिक करना है, ऑलरेडी रजिस्टर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने जब ई श्रम कार्ड बनाया तो आपको उसमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिला होगा UNA, तो आपको उसी को डालना है जो कि 12 अंकों का होता है। तो यहाँ पर है, देख सकते हैं हमारा ई श्रम कार्ड, तो हम इसमें से UNA नंबर डाल देते हैं। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भी डालना है, तो डालते हैं फटाफट हम UNA नंबर। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डाल देना है अपना डेट ऑफ बर्थ, जो आपने ई श्रम कार्ड बनाते हुए डेट ऑफ बर्थ दिया था आपको वही डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इंटर कैप्चा कर देना है, तो वो भी डालते हैं। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डाल देना है जनरेट OTP पर क्लिक करना है। सिंपल आपको यहाँ पर देख सकते हैं हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ चुका है, तो वो डालते हैं हम फटाफट यहाँ पर 1690 70। फिर वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, अपडेट प्रोफाइल, अगर आपको प्रोफाइल अपडेट करना है तो उस पर क्लिक करें, और अपना UNA नंबर डाउनलोड करना है तो वो कर सकते हैं। इसमें UNA नंबर ई श्रम कार्ड डाउनलोड करना है तो सिंपल आप नीचे वाले पर क्लिक कर दें। यहाँ पर देख सकते हो हमारा ई श्रम कार्ड आ चुका है ये, और यहाँ पर डाउनलोड UNA कार्ड पर क्लिक करके इसको सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, डू यू वांट टू डाउनलोड UNA कार्ड PDF, इसको ब्लॉक कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा UNA कार्ड डाउनलोड हो चुका है, ई श्रम कार्ड डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों देखा आपने कितना आसान था ई श्रम कार्ड डाउनलोड करना। ऐसे ही दोस्तों अगर आप हमारे ट्रिक को फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप भी अपने ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारा वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।